श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविद अनेक प्रकार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी ने अपने ते बख्शिश कीती है, अपने ते बड़ी भारी कृपा कीती है। गुरु की बाणी सरवण कर रहे हैं, बाणी दे श्लोक आपने सरवण कीते ने, बाणी दी पावन कथा अपन सरवण करके लाह प्राप्त करिए। साहब गुरु अर्जन साहब जी सुखमनी साहब जी दे इस पावन श्लोक राही अपने ते बख्शिश कर रहे ने। श्लोक उस्तत करे अनेक जन, जन दा अर्थ हुंदा मनुख गुरमुख जिहड़े गुरु नाल जुड़ गए ने। वैसे जन जिहड़ा शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। कबीर साहब ने कहा हर हर जन जिहड़े ने हरी ते हरी दे जन दो ने, पर जन वो नहीं कहिंदे हन भी जिहड़ा कबीर रोड़ा होए रहो बाट का तज मन का अभिमान, ऐसा तेरा दास होए ताही मिले भगवान। कहिंदे राह दा रोड़ा बन जाए इन्न निम्रता होनी चाहीदी जन च। फिर कहिंदे नहीं रोड़े च ऐब है, बे ठेडा वजदा लोकी चंगा नहीं समझदे, फिर रोड़े नालों पतली तां धूड़ है। कबीर जी कहिंदे हन कबीर रोड़ा पिया तां क्या पिया, पंथी को दुख दे ऐसा तेरा दास होए ज्यों धरनी मैं खे। जिवें धरती उपर मिट्टी धूड़ा इदा निम्रता होनी चाहीदी गुरु के सिख विच, इन्ना नीवा होना चाहीदा, धरती की मिट्टी धूड़ ही सारिया के चरणों की बने रहना चाहीदा। फिर होर ज देखा भी धूड़ भी तो उड़ के अंगा नूं लगती है। कहिंदे कबीर खे हुई तो क्या हुआ, जो उड़ लागे अंग हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग। पानी मैल नूं धो दिंदा, तो हरीदा जन इहोजा होना चाहीदा जिवें पानी साफ है उज्जल है। फिर कहिंदे नहीं पानी च भी ऐब है। कबीर पानी हुआ तो क्या हुआ, शीरा ताता होए। पानी हो गया तो की हो गया, जे इन्नी निम्रता भी ले आया पानी तो जे तपा दिए तपन लग पैंदा, जे ठार दिए फिर ठंडा हो जाता। फ्रिज रख दो ठंडा हो जाएगा, तो जे चुल्हे ते रख दो तो तप जाएगा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरी ही होए। किन्ना प्यारा बचन है, कहिंदे हरी दा जन इहो जिहा होना चाहिए जिहड़ा इहो जिहा हरी परमात्मा आप ही है। इहो जे जन उस्तत करें अनेक जन, अनेकां जन वाहिगुरु परमात्मा की उस्तति नाम की वडियाई, अनेकां जन परमात्मा की वडियाई कर रहे ने। किन्नी कु वडियाई करदे, कहिंदे अंत ना पारावार, पारावार तो रहत वडियाई, जिहदा अंत ही कोई नहीं। परमात्मा बेअंत है, तो जिहड़े जन ने उहदे बेअंत बेअंत बार वडियाई करदे हन दिन रात हर वेले, जिहदा अंत नहीं वारा पार कोई नहीं। अनेकां बार जिस परमेसर का अंत नहीं, पारावार तो रहत परमेसर की उस्तति उहदे प्यारे गुरमुख जन करदे हन। नानक रचना प्रभ रची, सतगुरु जी कहिंदे हन रचना साधो रचना राम बनाई, एक बिन सह इस एक अस्थिर मन अचरज लख्यो न जाई। साधो ये रचना राम दी बनाई रचना है, सब कुछ परमात्मा ने रचिया होया। देखो नानक रचना प्रभ रची, वाहिगुरु जी ने बहुत तरीकों की रचना रची है, बहुत बेद अनेक प्रकार, बहुत बेद बहुत तरीकों के नाल अनेक प्रकार। कितने राजसी जीव बनाते, कितने तामसी जीव बनाते, तो कितने शांत की जीव बनाते, कोई मोटा जा बनाता, कोई पतला जा बनाता, कोई छोटा कद का रखता, तो किसी को कद बड़ा लंबा देता। बनाया तो सारा कुछ परमेसर ने ही है, अकाल पुरख की रचना है रचना। ता करके कहिंदे बहुत बेद बहुत तरीकों के नाल अनेक प्रकार
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਬੇਦ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਇੱਕ ਬਿਨਸਹਿ ਕਾ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ ਅਚਰਜ ਲਿਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਚਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਨਾਸਵੰਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।